कोविड को लेकर वाराणसी में सतर्कता बढ़ाई गई। नए वेरिएंट को देखते हुए अस्पतालों को तैयार कर लिया गया है। चीन में कोरोना के हालात बेकाबू होने के बाद भारत में भी मास्क रिटर्न की नौबत आ गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 को देखते हुए शहर के सभी अस्पतालों को तैयार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ COVID-19 के लिए डेडिकेटेड अस्पतालों को भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में सैम्पलिंग की प्रक्रिया भी तेज की जा रही है। जनपद वाराणसी में कोविड के संबंध में पूर्व तैयारी की जा चुकी है और कल इस संदर्भ में हमारे आदरणीय कमिश्नर महोदय ने VC भी ली है और जो संबंधित विभाग संबंधित अस्पताल सभी से उस तैयारी के बारे में जायजा लिया गया है। इसमें विशेष तौर पे ऑक्सीजन प्लांट की रख रखाव और ऑक्सीजन प्लांट की चलन की उसकी प्योरिटी पाइपलाइन के कनेक्शन बिस्तर की अवेलेबिलिटी दवाइयों का उपलब्धता साथ साथ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर और साथ में मरीजों के ICCC का एक्टिवेशन टेलीमेडिसिन का की शुरुआत और इसके साथ साथ पेशेंट्स का अगर ज़रूरत पड़ी तो एडमिशन किस लेवल पे किस जगह पे होगा किस लेवल के पेशेंट को कहाँ जाया जाएगा ये सारी चीज़ें की तैयारी हम पूर्णतः कर चुके हैं और अगर ऐसी कोई आवश्यकता पड़े तो हम पूर्णतः तैयार हैं। सर कोविड डेडिकेटेड कोई हॉस्पिटल अभी तक बनाया गया है या फिर आगे कुछ तैयारी ऐसी? जी हाँ, कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारा L1 का जितने भी हमारे छोटे जितने भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य अस्पताल उसमें हैं और L2 लेवल के लिए हमारे पंडित दीनदयाल है, सस्पेक्ट केस के लिए कबीर चौरा है और L3 के लिए हमारा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का सर सुंदरलाल हॉस्पिटल। सर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है चेकिंग, जो बाहर से यात्री आ रहे हैं या फिर बसों के जरिए जो यात्री आ रहे हैं तो क्या उनके लिए क्या तैयारियां हैं? जो अंतर्राष्ट्रीय हमारे पैसेंजर्स हैं वो हमारे एयरपोर्ट से माध्यम से आते हैं और दो तरह के अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स आ रही हैं यहाँ पर, उन पर पूर्णतः चेकिंग कोविड टेस्टिंग शुरू हो गई है और अन्य लोगों से रिक्वेस्ट टेस्टिंग चल रही है जो अगर किसी भी अलग माध्यम से आए हुए हैं तो एयरपोर्ट पे हमारा ये बूथ कल से स्टार्ट हो चुका है और अन्य जगहों पे पूरे सभी जगह पे टेस्टिंग की रेट्स बढ़ाए जा रहे हैं। आवश्यकता पड़ी तो जैसे जैसे गाइडलाइन आएगी उस हिसाब से हम लोग काम करना शुरू। डॉक्टर साहब कोविड हमारे यहाँ कोविड के लिए 20-bed आइसोलेशन है जो कि सिंगल रूम है 20 मरीज के लिए। इसके अलावा एक क्वार्ट 50-bed का हम लोग सुरक्षित कर दिए हैं, एकदम पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। इसके बाद हर चीज़ ऑक्सीजन प्लांट दोनों चालू है, पूरा सिलेंडर पूरा फुल है, FSH मशीन फुल है, कॉन्सेंट्रेटर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। कितने वार्ड अभी तक बनाया गया है कोविड के लिए? कोविड वार्ड एक है ऊपर हमारा 50-bed का, 54-bed का है कहिए तो, उसमें बेड 54 है तो वो हम सुरक्षित कर दिए हैं। अभी तक ऐसे कोई पेशेंट आए कोविड? नहीं, अभी तक कोई पेशेंट नहीं। तैयारियाँ पूरी एकदम एकदम पूरी है। और अगली बार देखा गया था कितने यहाँ पर दिक्कतें हो रही थी इस तरह से? सेकेंड वेव में तो बहुत हाल मारामारी था, थर्ड वेव में कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमारे यहाँ। सेकेंड वेव में तो पूरा ऑल ओवर इंडिया दिक्कत था, लेकिन फिर भी हम लोग इतना अच्छा रिजल्ट दिए कि उसका कोई जवाब नहीं है।